शिरघाटी के गोला बाजार स्थित कैम्ब्रिज स्पोकन सेंटर में हॉप फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में दर्जनों छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद शिरघाटी उपकारा के जेल सुपरिटेंडेंट सुजीत कुमार राय ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र छात्राओं में कुछ न कुछ नेचुरल टैलेंट होता है, जिसे समय के साथ विकसित करना जरूरी है। शिक्षा एवं योग्यता कठिन परिश्रम से ही प्राप्त की जा सकती है, इसलिए आप सभी ईमानदारी के साथ मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। श्री राय ने होप फाउंडेशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि गरीब असहाय लोगों के बीच सेवा भावना से काम करना एक प्रशंसनीय कदम है। अपनी बात रखते हुए होप फाउंडेशन के अध्यक्ष शौकत अली ने जानकारी दिया कि समाज की अंतिम पंक्ति के लोगों के बीच फाउंडेशन ने नए साल के मौके पर गर्म कपड़े, फल, मिठाइयों और स्टडी मटेरियल आदि का वितरण किया था, जिसमें कैम्ब्रिज स्पोकन सेंटर के निदेशक विकास कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर वसीम खान के अलावा जिन छात्र छात्राओं ने इस नेक काम में अपनी अहम भूमिका निभाई, उन्हें हम लोगों ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है, ताकि समाज में गरीब कमजोर लोगों के लिए काम करने का इनमें जज्बा आए। समारोह का संचालन वसीम खान ने बखूबी निभाया। मौके पर बबलू कुमार, नूरुल खान, इब्रार आलम सहित मिराज खान, रिया गुप्ता, इरम नौशाद, ब्यूटी कुमारी, अफरा, साफिया, लायका आदि दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद थे। अंत में मुख्य अतिथि जेल सुपरिटेंडेंट सुजीत कुमार राय ने छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट देकर हिम्मत अफजाई की। यह कार्यक्रम भले ही छोटा था, लेकिन अतिथियों की बड़ी बातों ने छात्र छात्राओं को काफी प्रभावित किया, बल्कि बहुतों की को हौसला, हिम्मत और पूरी शक्ति के साथ कामयाबी के सफर पर निकल पड़ने के लिए प्रेरित भी कर गया। इमरान अली, शिरघाटी आजकल। जो आज का प्रोग्राम था, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा देते हैं, और जो यूथ यहाँ उपस्थित है, संभावनाओं का अपार महाद्वीप है। मेरे आने का यही मकसद है कि जो यूथ है वो आगे बढ़े, अपने ख्वाब को सच करे और ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल करे कि न सिर्फ अपना बल्कि समाज का भी मदद कर सके। यही मेरे आने का उद्देश्य है यहाँ पर। आपको क्या अपने स्कूल के दिन याद आए ऐसे प्रोग्राम में आकर? निश्चित रूप से स्कूल के और कॉलेज के दिन याद आते हैं, और इनकी आंखों में जो एक चमक और जो ख्वाब दिखता है, उसमें मुझे अपना चमक और ख्वाब याद आता है। लगता है कि इन आंखों से अब अपनी कॉलेज दिनों को फिर से जीऊं और इनकी आंखों में अपना ख्वाब भर के चला जाऊं कि तुम हो जाओगे सफल, हिम्मत बस मत हारो। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आज का जो प्रोग्राम था, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? असल में ये जो प्रोग्राम था, ये बच्चों को थैंक यू प्रोग्राम था, उनको अप्रिशिएट करना था और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देना था, जिसमें हम लोगों ने 31st को स्लम एरिया में जाके हम लोगों ने नया साल सेलिब्रेट किया था, जिसमें हम लोगों ने इन बच्चों से कहा था कि आप लोग हमें 1 रुपया दो, गिव मी 1 रुपीज, आई विल गिव यू सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर अपने घर से वूलन क्लॉथ आया, और स्लम में रह रहे बच्चों के लिए लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर डोनेट किया है। तो वही आज हम इन लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और असल में इन लोगों को एक तरह से प्रोत्साहन के तौर पर हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और इस प्रोग्राम में आज के हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं शिरघाटी जेल सुपरिटेंडेंट सुजीत साहब, आज जिन्होंने आकर बच्चों को एक तरह से इंस्पायर किया है और बच्चों से मिलकर बड़े खुश हुए, और अब उन्होंने वादा किया कि इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में आप हमें ज़रूर बुलाएं और हम हमेशा आते रहेंगे। और ऐसे प्रोग्राम को इस संस्था ने ये करवाया, और क्या किन किन का सपोर्ट रहा है? ये होप फाउंडेशन है, जो जिसका मैं नेशनल लेवल का प्रेसिडेंट हूँ। इसमें वसीम साहब हमारे दोस्त हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें एक्टिव रोल रहा है, और यहाँ के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज के विकास सर, जिनका इन्होंने बिल्कुल शुरू दिन से हम लोगों के साथ रहे और हर चीज़ में साथ देते रहे हैं, जैसे भी उनका पार्टिसिपेशन हर प्रोग्राम में रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। करती हूँ तजारत अक्सर, जो एक पैसे में लाखों की दुआ दे जाते हैं। क्या बात, आज के प्रोग्राम को लेकर कैसा लगा ये जी? बहुत बहुत बाई हर्ट बहुत अच्छा लगा। सभी चीफ गेस्ट हमारे आए और सभी स्टूडेंट ने, एंड हम लोगों को सर्टिफिकेट भी मिली। यही क्या समझा आप आज जी? लोगों की बात समझा, यही समझ में आया कि हम लोगों को हमेशा गरीबों की मदद करना चाहिए, एंड
इफ वी हेल्प समवन, गॉड डेफिनेटली हेल्प अस। आगे बढ़ने के लिए क्या उम्मीदें मिली यहां जी? संजय सर एंड ऑल चीफ गेस्ट ने बहुत ही मोटिवेट किया हम लोगों को, क्योंकि ये स्टूडेंट लोग को जितना मोटिवेट करेंगे उतना आगे तरक्की होती जाएगी। चलिए, सो थैंक यू जी। वासपा संजय सुपरिटेंडेंट साहब ने रखा, जिस तरह के लीजेंड्स टाइप्स के कोटेशंस और इंटेलेक्चुअल थॉट उन्होंने हम लोगों को दिया, एक अपने आप में एक आग डालने के बराबर हो स्टूडेंट के बीच में, कि आप अपने आप को अपनी अपनी प्राकृतिक क्वालिटी को पहचानिए, ताकि अपने इसी क्वालिटी को उभार कर समाज में एक प्रवृत्ति लाइए। स्टूडेंट के थ्रू आउट ही समाज सुधरेगा, जिसमें लोगों के अंदर नैतिकता आएगी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आज के समय लोगों के अंदर से एथिक्स ख़त्म हो चुकी है, तो इस तरह का समाज के लिए काम करेंगे तो लोगों के अंदर एथिक्स डेवलप होगी और हार्मोनियस सोसाइटी बनेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, कि जैसे कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बहुत से लोग, जैसे सुपरिटेंडेंट सर ने बोला कि उन्होंने भी आईएएस की तैयारी की, काफ़ी बार इंटरव्यू दिया, वो फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एट लास्ट आज वो जेल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं सिरगाटी के, तो उनसे काफ़ी कुछ इंस्पायर हुआ। सबसे मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन आप है सर, क्योंकि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो सर आपसे मुझे ये सीख मिली है कि हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान को हार नहीं मानना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए, और कामयाबी आज आपके पास है सर, तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरा। अपनी कामयाबी के लिए क्या रास्ता ढूंढ? जी सर, मैंने दो बार अभी डिफेंस का फॉर्म फिलअप किया था सर। एक बार मैंने दौड़ कंप्लीट की तो रिटर्न में छड़ गया, सेकंड टाइम मेरा दौड़ नहीं हो पाया था सर, मैं जा नहीं पाया। इस बार मैंने फॉर्म भरा है सर, मैं तैयारी कर रहा हूँ। उम्मीदें हैं? बिल्कुल सर, उम्मीदें एकदम कायम है सर। जी सर बिल्कुल सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिराज हुआ। आयोजन को लेकर क्या कहेंगे आप? सर वी आर रियली वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं कंटिन्यू इन हिंदी देर रियली, एक्चुअली हमारे बहुत सारे ऑडियंस हैं, कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मतलब इसको कॉम्प्रिहेंड करने में। एक्चुअली सर इस चीज़ के प्रति मैं भी काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड था इसमें, लेकिन थोड़ी सी शेड्यूल बिजी थी। 31st को ही आयोजन होनी थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट्स एंड ऑल होनी थी, तो मुझे ये खास करके होप फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं शौकत जी ने और वसीम जी आकर मिलते हैं और बता दें कि सर आप भी हमारे साथ होते, बहुत अच्छा होता। तो मुझे लगा कि मुझे एक ऑफर दिया गया और ये बहुत ही बेस्ट ऑफर है, ऐसा होना चाहिए। हर किसी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, खास करके सोशल एक्टिविटीज़ में। थोड़ी सी टाइम की कमी के कारण मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन दिल से मैं हमेशा रहता हूँ। तो इस बार जब इन्होंने कहा तो मुझे लगा कि नहीं, डेफिनेटली जितनी बन पड़ेगी उतना हम लोग करेंगे। और सारे स्टूडेंट्स सर, छोटे बच्चे से लेकर बड़े स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट हैं, उन लोगों ने भी दिल से हेल्प करा है इन सभी को, और कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह के अगर आयोजन या निडीज़ या जो लोग हैं प्रिविलेज्ड लोग हैं, उन लोगों को जब भी मदद की जरूरत पड़ेगी हम लोग अवश्य करेंगे सर। थैंक यू।